नमस्कार दोस्तों, अभी भी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को केजरीवाल ने लिखा, आप दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं, प्लीज बजट मत रोकिए। दोस्तों आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के बजट पर रोक लगाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य के बजट को रोका गया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी से पूछा है, आप हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं, प्लीज दिल्ली बजट मत रोकिए। दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा बजट पास कर दीजिए। इससे पहले केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र ने दिल्ली के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को विधानसभा में पेश करने पर रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगाई है, जिसकी वजह से ये मंगलवार को पेश नहीं हो सकेगा। केजरीवाल के बजट को रोके जाने के दावे के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि केंद्र की तरफ से दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इसके पीछे दिल्ली सरकार के बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन को वजह बताया गया है। वहीं बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों के लिए तुलनात्मक रूप से कम राशि आवंटित है। वहीं तो कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र की मांग पर अब तक जवाब नहीं दिया है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने केंद्र के इन आरोपों को झूठा बताया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली का कुल बजट 78,800 करोड़ रुपए का है, जिसमें से सिर्फ 550 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च के लिए दोस्तों निर्धारित किए गए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के मुताबिक इस बजट में 22,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए निर्धारित किए गए हैं। दावा है कि पिछले वर्ष भी विज्ञापन के लिए इतनी ही राशि आवंटित की गई थी। एक टीवी कार्यक्रम में केजरीवाल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सीधे सीधे हमला करते हुए उन पर दोस्तों गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने बजट पर रोक लगाने से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, राजधानी दिल्ली से दिल्ली का बजट रुक गया है। दोस्तों केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, दिल्ली का बजट मत रोकिए। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इस समय सरकार दोस्तों पूरी तरीके से घिर चुकी है। अब तक की बड़ी खबर।